खबर अमीनपुर से है, जहां पर एक युवक ने सोते समय अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद ससुर के पत्थर से सर कूचकर हत्या कर दी, फिर खुद को तमंचे से गोली मारकर सुसाइड कर लिया। बताया जाता है कि वो बच्चों पर भी हमला करने वाला था, लेकिन बच्चे उससे लिपटकर रोने लगे। इस पर उसने अपने तमंचे से खुद को गोली मार ली। वारदात सुबह करीबन 3 बजे राठ कस्बे के पठानपुरा लीलावती नगर में हुई है। डबल मर्डर और सुसाइड की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फाना में पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। हत्यारोपी के बच्चों से पूछताछ के बाद तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हमीरपुर से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया।